Rahu and Ketu Part 3। Rahu in your third house, Ketu in your ninth house of your horoscope। And Rahu क्या होता है? Rahu is head of the snake, devil, asura। And Ketu is tail of the snake। Rahu is attachment, Ketu is detachment। And now it's in your third house, Ketu is in your ninth house। And ninth house आपका क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? नाइन्थ हाउस होते हैं आपके टीचर्स, प्रीचर्स, काउंसलर्स, एडवाइजर्स, फादर, पिलग्रिमेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हम देख सकते हैं उससे, रिलीजन को देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी एनजीओ एंड इलनेस ऑफ योर मदर। बिकॉज फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस जो है वो बनता है ये, तो इलनेस ऑफ मदर इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दिस हाउस। एंड प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ योर हाउस कैन ऑल्सो बी सीन। एंड देन थर्ड हाउस का रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका राइटिंग, आर्ट्स, मीडिया, जर्नलिज्म, क्रिएटिविटी, टीवी, मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। एंड आपका हो गया सर्जरी। जी हाँ, सर्जरीज भी देखी जा सकती हैं थर्ड हाउस से। एंड क्योंकि थर्ड हाउस इज़ एट्थ फ्रॉम दी एट्थ हाउस है ना, एट्थ हाउस सर्जरीज मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, तो एट्थ फ्रॉम एट्थ इज दी थर्ड हाउस। ऐसे ही इलनेस ऑफ मदर नाइन्थ हाउस से देखते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस जो है वो बनता है, दैट्स वाई। ठीक है। एंड बिग सर्जरीज, बड़ी जो सर्जरीज, ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो गया, आपका कैंसर हो गया, एंड ये सारी जो बिग सर्जरीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। एंड एट्थ फ्रॉम एट है तो समझ रहे हो थर्ड हाउस, तो अननेचुरल चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। अननेचुरल चीज़ें देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, अवे फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, एट्थ हाउस समझ रहे हो, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं थर्ड हाउस से क्योंकि एट्थ फ्रॉम एट्थ है। Now and third house also represent gains of children, father of spouse है ना। and third house आपका जो होता है स्टेमिना होता है, आपके हैंड्स होते हैं है ना। and राहु यहाँ पे आकर बैठ गया, बट राहु एमेच्योर होता है। राहु वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने आए हो, ठीक है, लेसन्स जो आप यहाँ पे सीखने आए हैं एंड जो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करनी है। केतु इज़ अ मास्टर, वो एक्सपर्टीज़ है जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। एंड केतु आपके नाइन्थ हाउस में है। एंड नाउ यू आर स्ट्रक बिटवीन ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस, राहु और केतु के एक्सेस में। बट राहु यहाँ पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है ना। दिस पीपल लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एंड पैसे हैं चाहे नहीं है, कुछ भी काम अगर करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है तो दे आर लाइक ओके कोई बात नहीं, आई कैन डू, मुझे खुद करना है, एंड सेल्फ मेड मिलियनर मुझे बनना है। एंड बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट जो है राहु यहाँ पे थर्ड हाउस में उनको देता है, ठीक है ना। सो ये जो राहु है ये पर्सन को, राहु केतु का जो एक्सेस है, पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बना देता है। इट्स लाइक अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में दे आर लाइक हर एक से कॉम्पिटिशन करना, ठीक है, नहीं इसको मैं हराऊंगा, इसको मैं हराऊंगा, इसको हराना है मुझे, कुछ भी करके मुझे इसको हराना है। एंड राहु बहुत ही इमेच्योर बिहेव करता है जहाँ पे बैठता है। एंड दिस पीपल आर लाइक, मतलब कि किसी किसी चीज़ में डर भी बैठ जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, बट देन अगर वो चीज़ वो करते हैं तो वो उनकी इंकरेजमेंट बन जाती है ना। एंड दिस पीपल मेक एक्सीलेंट सेल्स पर्सन, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं है ना। किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो किसी भी चीज़ की, दे आर लाइक ओके कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हम ढूंढ के लाएंगे है ना। बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि थर्ड हाउस है, इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा देता है राहु यहाँ पे, हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। बट देन राहु और केतु जो है बहुत ही आउटकास्ट प्लैनेट हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी है ना, रूल्स ब्रेक करने वाली इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हमें सक्सेस मिल जाएगी। एंड कोई भी इनको कुछ काम बताएगा, थोड़ा स्टक हो जाते हैं राहु और केतु के इस एक्सिस में। एंड ग्रोइंग अप, बड़ा होते टाइम ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं अपने ईगो की वजह से, क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है वो अपने एक्शंस होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन है ना, अपने खुद के एक्शंस जो होते हैं वो थर्ड हाउस है। एंड राहु जो एनर्जी उसको एक्सप्लोर करती है। एंड बचपन में लड़ाई झगड़े के कारण ये इनोसेंट पीपल को भी हर्ट कर देते हैं फाइट में, एंड वो एक स्टूपिडिटी होती है ना, राहु करवा देता है वहाँ बैठा होता है तो अगर। बट द फैक्ट इज जो उसकी टेल है, जो कर्मा है राहु और केतु का, केतु इन द नाइन्थ हाउस, केतु जहाँ पे बैठा होता है ना, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्सपर्टीज़ है पास्ट लाइफ से। एंड नाइन्थ हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका रिलीजन, जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें होता क्या है कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप जो है रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है, एंड रिजेक्ट करते हैं रिलीजन को कि मुझे किसी धर्म में नहीं मानना, और रिजेक्ट करते हैं अपने फादर्स की टीचिंग को भी रिजेक्ट करते हैं आप कि फादर की टीचिंग्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में केतु चीज़ों को दो पार्ट में काट देता है ना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव किसी किसी केस में दो फादर आपके हैं, एंड या फिर दो टीचर या दो गुरु हैं आपके है ना। एंड रिलीजन को आप कब रियलाइज़ करते हैं, लेटर इन लाइफ। आप रिलीजन को जो भी आप रिलीजियस होते हैं थोड़े बहुत, वो एक मिड पॉइंट के बाद होते हैं। हायर नॉलेज इज़ फ्रॉम एंड अदर रिलीजन, किसी और रिलीजन पे आप जो है अट्रैक्ट होते हैं। लेट्स से आपका जो भी रिलीजन में आप बॉर्न हुए हैं उससे किसी अलग रिलीजन में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एंड मिड लाइफ के बाद, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो लोग अपना जो है रिलीजन जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, समझ रहे हो, चेंज कर लेते हैं रिलीजन को। तो ऐसे लोग भी इस एक्सेस में से देखे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट केतु 9th हाउस में है। 9th हाउस टीचर्स का, गुरुज का घर है, रिलीजन का घर है, एंड केतु उस चीज़ को दो में डिवाइड करता है, समझना आप बात को, ठीक है। ये आपका कर्म है जो पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज आप लेके आए हैं केतु एंड राहु। वो राहु बहुत ज़्यादा इमेच्योर है यहाँ पे, एंड 3rd हाउस कम्युनिकेशन भी सिग्निफाई करता है। एंड इन लोगों की जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा हार्श होती है अर्ली ऑन इन लाइफ, बहुत ज़्यादा गाली देना, ये सब कुछ करना। एंड लेट्स से मार्स बैठा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा कर्स करते हैं ये लोग। एंड कोई इनको अर्ली लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु वगैरह मिलता है तो उसकी बेइज्जती करना, उनसे बदतमीज़ से बात करना, एंड ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब भी कर देते हैं। एंड राहु मैच्योर होता है 42 की एज में, उसके बाद ही रियलाइज़ करते हैं। एंड दे आर लाइक ओके सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड ही है, एंड मटेरियल वर्ल्ड और सब कुछ ये सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती। एंड बट एक्सपर्टीज़ जो है केतु से ही इनको मिल रही हैं, जो उनकी बिजनेस में पैसा कमाने की जो क्वालिटीज़ हैं, फिलोसफी हैं, वो सब सब कॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से, है ना। जो फिलोसफी है, जो ये सोचते हैं, जो ये बोलते हैं, उसकी वजह से कमा रहे हैं, वो केतु की वजह से ही इनको मिली है। बट ये चीज़ वो रियलाइज़ नहीं करते 42 की एज तक, एंड ये एक बहुत ज़्यादा इशू है, ना। किसी भी, आपको ये बात समझ नहीं आएगी, किसी भी धर्म की, किसी भी स्पिरिचुअल, किसी भी पर्सन की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी भी गुरु की नहीं बेइज्जती करनी चाहिए। 3rd हाउस आपका हैंड्स भी होते हैं, है ना, हैंड्स। एंड इन लोगों के पास बहुत ही अनयूजुअल स्किल होती है हैंड्स, मतलब कुछ भी अगर ये हैंड के रिगार्डिंग करते हो तो वो बहुत अनयूजुअल होगा। एंड अगर मार्स या सैटर्न बैठा हुआ है ना 3rd हाउस में, तो अगर इनका काम को इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, तो छोटे भाई बहनों से मार पिटाई हो गई, ऐसा भी हो सकता है ना। देन उसके बाद जो होता है, ये उनको गॉसिप करना बहुत पसंद होता है, ठीक है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे दोस्त बनाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि राहु इस वाईफाई, सोशल मीडिया के दोस्त बनाना, गॉसिप करना, सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दिस यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं इन लोगों को। एंड फ़ोन पर अगर बात कर रहे हैं तो कुछ भी इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो गाली गलौज शुरू कर दी, भाई बहनों से लड़ाई हो गई। देन उसके बाद ये अपना केतु जो अपना काम दिखाता है, ये अपना बैकवर्ड चले जाते हैं केतु की तरफ। एंड दे लुक फॉर सम गाइडेंस, समझ लो, स्पिरिचुअल गाइडेंस, फिलोसफी की तरफ भागेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी बड़े स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके या फिर एक फिलोसोफर के पास जाके गाइडेंस लेना, है ना। एंड जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, दे आर लाइक चलो कहीं घूम के आते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे घूम के आते हैं, मतलब कि ट्रैवल करके आते हैं। एंड अगर आप छोटे हैं आप ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं करेंगे। केतु जो है, राहु केतु ऐसे जो है मैच्योर 35-36 की एज तक होता है, पूरा मैच्योर राहु जो है 42 की एज में होता है। एंड सी मैटर करता है देखो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कि साइन कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है। इफ़ जो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है ना, वो देखो कहाँ है, जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ पे है। एंड अगर 3rd और 9th हाउस लॉर्ड जो है एक साथ कंजंक्शन में है तो यू कैन सी वेरी बिग सेलिब्रिटी, जो पर्सन रोज टीवी पर आता है बहुत फेमस हो जाता है ना। अदर प्लेसमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा सिचुएशन इस राहु 3rd एंड केतु 9th के एक्सेस में क्रिएट होती है तो, है ना।